आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 13वें ओवर की चौथी गेंद पर चौका जड़कर यह उपलब्धि अपने नाम की। क्रिस मॉरिस के इसी ओवर में दूसरी गेंद पर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। ये कोहली का आईपीएल में 40वां अर्धशतक। इसके साथ ही उन्होंने रोहित शर्मा और सुरेश रैना का भी रिकॉर्ड तोड़ा। विराट कोहली ने आईपीएल में अब तक 196 मैच खेले, इनमें उन्होंने 38.35 के औसत से 6021 रन बनाए। इसमें उनके 5 शतक और 40 अर्धशतक भी शामिल। वो आईपीएल में अब तक 518 चौके और 204 छक्के लगा चुके हैं। विराट कोहली आईपीएल में सबसे पहले 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। हालांकि 5000 रन पूरे करने के मामले में वो सुरेश रैना से पिछड़ गए। उन्होंने आईपीएल में सुरेश रैना के बाद 5000 रन पूरे किए। आईपीएल में सबसे पहले 1000 रन का आंकड़ा एडम गिलक्रिस्ट ने छुआ था। उसके बाद सुरेश रैना सबसे पहले 2000 और 3000 रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गए। वो आईपीएल में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले भारतीयों में दूसरे नंबर पर। इस अर्धशतक के साथ ही उन्होंने रोहित शर्मा, सुरेश रैना और एबी डिविलियर्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। सुरेश रैना और डिविलियर्स के आईपीएल में 39-39 अर्धशतक। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच की बात करें तो विराट ने 6 चौके और 3 छक्के की मदद से 47 गेंद में 72 रन की नाबाद पारी खेली। देवदत्त पिडिकल ने 11 चौके और 6 छक्कों की मदद से 52 गेंदों में 101 रन बनाए। इन दोनों की शानदार पारियों के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 10 विकेट से मैच जीत लिया। आईपीएल 2021 में आरसीबी की यह लगातार चौथी जीत है। टूर्नामेंट के इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पहली बार शुरुआती 4 मुकाबलों में जीत हासिल की। स्पोर्ट्स की हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप बने रहें डेली न्यूज के साथ, और डेली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।